अगर आप स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं तो यह खबर आपके लिए है। जिलाधिकारी मथुरा ने छात्रवृत्ति समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में उपस्थित अधिकारियों से छात्रवृत्ति का कार्य कहां तक पहुंचा है उसकी समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को यह भी दिशा निर्देश दिए कि वह जल्द से जल्द स्कूल और कॉलेजों के प्रबंधन से मिलकर एक बैठक आयोजन करें और जल्द ही कार्य पूरा करें। नमस्कार, मैं हूं निर्मल राजपूत और आप देख रहे हैं कैंपस खबर। जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह ने एक बैठक बुलाई। इस बैठक में सभी अधिकारियों को उपस्थित होने के निर्देश दिए। छात्रवृत्ति समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने अपने अधीनस्थों से सवाल जवाब भी किए। वहीं उनको निर्देशित करते हुए कहा कि जल्द से जल्द छात्रवृत्ति की समीक्षा पूरी कर लें और स्कूल कॉलेज प्रबंधनों से यह बातचीत कर छात्रवृत्ति की फीडिंग को पूरा कराया जाए ताकि समय रहते हुए छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके। इस बैठक का अहम मुद्दा यह रहा कि स्कूल और कॉलेजों से जुड़ी हुई छात्रवृत्ति की अब तक की रिपोर्ट मांगी गई है। डीएम का कहना है कि जिस तरह से स्कूल और कॉलेजों में छात्रवृत्ति की फीडिंग की जाती है वह अब तक कहां तक पहुंची है इसकी रिपोर्ट जल्द ही अधिकारी स्कूल संचालकों से लें। बता दें कि छात्रवृत्ति लेना छात्र छात्राओं का मौलिक अधिकार है और कई छात्र छात्राएं इस छात्रवृत्ति का लाभ पाने से वंचित रह जाते हैं। सरकार की मंशा है कि स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रत्येक को छात्रवृत्ति दी जाए। आने वाले समय में जल्द ही प्रशासन कार्रवाई करते हुए स्कूल और कॉलेजों के जल्द छात्रवृत्ति की जो रिपोर्ट है वह जिला अधिकारी को प्रेषित करें ताकि समय रहते हुए शासन को वह रिपोर्ट भेजी जा सके और छात्र छात्राओं को जो छात्रवृत्ति मिलती है उसे समय पर छात्रों को उसका लाभ दिया जा सके।